जब फिर देखेगी पाखी सभी को तो फिर से होगी उसको जलन, और जलन में वो क्या करेगी। जी हाँ दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में का आने वाला ट्रैक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह पाखी फिर से कोई बड़ा गेम प्लान करने वाली है। क्योंकि जैसे ही वो विराट के साथ सभी को देखेगी और विराट सभी को देख देख के खुश होता है, ये बात पाखी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वहीं दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे किस तरह जो विराट ने हरकत की है, जिसके चलते सई का रो रो कर बुरा हाल होने वाला है। वो उषा मौसी से बहुत सारी बातें भी करने वाली है। तो चलिए बताते हैं क्या क्या होने वाला है सीरियल में। दोस्तों, सीरियल के आने वाले ट्रैक में आप जहां देखेंगे किस तरह विराट जो है सभी को लेकर चला गया है, जज्बात से सई बहुत परेशान दिखाई देती है। सई उषा मौसी से कहती है, पहले तो विराट हमारी जिंदगी में आ गए, फिर हमारी सारी की सारी खुशियाँ छीनने में लगे हुए हैं। जब से वो लोग हमारी जिंदगी में आए हैं, हम लोग चैन से जी नहीं पा रहे हैं। जब से उनकी बीवी को पता चला है कि सभी उनकी बेटी है, तब से उसको चैन नहीं है। यानी कि पाखी की बात सही कहती है, और सही कहती है कि पाखी बहुत खतरनाक है, वो कहीं कुछ उसकी बेटी के साथ करना दे। वहीं सही जो है मोदक की थाल हाथ में लेती है और कहती है, सभी ने तो आज मोदक भी नहीं खाए, और मोदक खाए बिना उसका बर्थडे अधूरा होगा। तो वहीं दूसरी तरफ उषा मौसी से बहुत सारी बातें समझाती है। उषा मौसी कहती है, सही तुझे तो याद है ना, जब विराट नहीं थे यानी कि सभी के बाबा नहीं थे, तो तू ही उसका आबा बन के बहुत सारे गिफ्ट देती थी, चिट्ठियां देती थी, ताकि सभी को उसके बाबा की कमी महसूस ना हो। लेकिन अब जहां विराट आ गए हैं, तो तुझे क्या हो गया है, तू इतना परेशान क्यों रहने लगी है। लेकिन सई बेचारी क्या करे, सई को पत्र लेखा पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे जैसे ही सभी जाकर गाड़ी में बैठेगी, तो पाखी की असलियत जो है उसके मुंह पे आ जाएगी, और पाखी कहेगी, मेरी खुशी भी भगवान को ज्यादा देर मंजूर नहीं है। अब भाई पाखी क्या करने वाली है। हालांकि जब वो विराट को देखती है कि विराट सभी को देखकर बहुत खुश है, क्योंकि जिस तरह से सभी का चेहरा उदास होता है, क्योंकि उसकी आई यानी कि सई जो है वो पिकनिक पर नहीं आई है, लेकिन विराट जो है उसको पूरा पैम्पर करने की कोशिश करता है। आप देखेंगे कि विराट सभी से कहता है, अरे बच्चे तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी आई नहीं आई तो क्या हुआ, हम सब तो तुम्हारे साथ है ना, हम लोग तुम्हारा बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। वहीं पर पाखी जो है वो भी विराट का साथ देते हुए कहती है कि हाँ हाँ, हम लोग तुम्हारा बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। वहीं पर विनायक जो है वो भी सभी को बहुत सारी खुशियां देने की कोशिश करता है, क्योंकि विनायक अब तक तो सभी से बहुत प्यार करता है। वहीं जहां पाखी को आप देखेंगे, पाखी के दिमाग में कुछ ना कुछ फिर से नया प्लान चलने वाला है। लेकिन जब वो लोग पिकनिक पर पहुंच जाएंगे, तो पाखी विनायक सभी तीनों के तीनों वहां खड़े हैं, लेकिन पाखी आगे क्या करेगी ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि सही वहां तक कैसे पहुंचेगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सही क्या करेगी आगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टीवी और बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, तो जल्दी से इसे भी लाइक कर दें।